हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय फार्म मशीनरी एंड पावर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8, ठीक है। वी विल डिस्कस ऑन फैमिलाइजेशन विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीलेज इम्प्लीमेंट, ठीक है। प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट्स कौन से हैं और सेकेंडरी टीलेज इम्प्लीमेंट्स कौन से हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि टीलेज क्या होता है, ठीक है। टीलेज, व्हाट इज टीलेज? टीलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। मीन्स टीलेज वो चीज़ है, टीलेज मीन्स मैकेनिकल मैनिपुलेशन है किसका? सॉइल का। मैकेनिकल मैनिपुलेशन सॉइल में करके क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। सॉइल टीलेज कंसिस्ट ऑफ ब्रेकिंग द कंपैक्ट सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सॉइल टीलेज क्या होता है? ये कंपैक्ट सरफेस जो रहता है, ठीक है, उसे तोड़ता है, ठीक है, टू अ सर्टेन डेप्थ, एक सर्टेन डेप्थ तक, मतलब कुछ गहराई तक, एंड टू लूज द सॉइल मास, और क्या करता है? सॉइल मास को लूज करता है, सो एज टू एनेबल द रूट्स ऑफ द क्रॉप टू पेनेट्रेट एंड स्प्रेड इन टू द सॉइल, ठीक है। जिसकी वजह से जो क्रॉप के रूट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर क्या होते हैं? पेनेट्रेट होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीलेज, टीलेज के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? टू ऑब्टेन डीप सीट बेड, ठीक है। डीप सीड बेड प्राप्त करना किस लिए? जैसे कोई क्रॉप है जिसका रूट मान लो 180 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतने डेप्थ तक क्या होता है वो जाता है, ठीक है। किसी का 120 है, तो क्या करता है ये? डीप सीड बेड के लिए टीलेज किया जाता है, ठीक है। टू ऐड मोर ह्यूमस एंड फर्टिलिटी टू द सॉइल, ठीक है। क्या क्या ऐड होता है सॉइल टीलेज करने से? फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय एंड प्रिवेंट वीड्स, खरपतवार को क्या किया जाता है? डिस्ट्रॉय किया जाता है, नष्ट किया जाता है, ठीक है। टीलेज करने से खरपतवार नष्ट होते हैं, ठीक है। टू एरिएट द सॉइल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप, ठीक है। टीलेज इसलिए किया जाता है कि सॉइल में हवा पहुंच सके, ठीक है, जिससे कि क्रॉप का अच्छा ग्रोथ होगा, ठीक है। टू इंक्रीज वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल का मिट्टी का पानी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? टीलेज किया जाता है, ठीक है। मीन्स टीलेज करने से क्या होता है? जो हमारा मिट्टी है उसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। टू डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट एंड पेस्ट, टीलेज करने से क्या होता है? जो हमारे इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन, जो मृदा कटाव होता है वो भी इससे रोका जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ टीलेज, टीलेज कितने प्रकार के होते हैं अब हम लोग बात करेंगे। पहला जो है प्राइमरी टीलेज, ठीक है। प्राइमरी टीलेज क्या होता है? इट इज कंस्टिट्यूट द इनिशियल मेजर सॉइल वर्किंग ऑपरेशन, ठीक है। जो प्रारंभिक कार्य होता है मृदा में वो क्या होता है? प्राइमरी टीलेज के अंतर्गत होता है। द ऑपरेशंस परफॉर्म टू ओपन अप एनी कल्टिवेबल लैंड विथ अ व्यू टू प्रिपेयर अ सीड बेड फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स इज नोन एज प्राइमरी टीलेज। जब हम खेत में कोई भी प्रारंभिक कार्य, मतलब जो प्रारंभिक कार्य करते हैं, खेत की जुताई करते हैं सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी टीलेज, ठीक है। किस लिए? ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, टू प्रिपेयर सीड बेड, ये कंपटीशन एग्जाम से लेके आपके एकेडमिक एग्जाम में भी बहुत बार आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा टू प्रिपेयर सीड बेड, तो वो पूछ लेगा कौन सा टीलेज है, ठीक है, तो प्राइमरी टीलेज है। इसमें कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं? एक है इंडिजीनियस प्लाउ और एक मोल्ड बोर्ड प्लाउ, जो किससे चलते हैं? एनिमल से चलने वाले ये दो इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर से चलने वाले इम्प्लीमेंट कौन कौन से हैं? मोल्ड बोल्ड प्लाउ मीन्स एमबी प्लाउ, ठीक है, डिस्क प्लाउ, हैवी ड्यूटी डिस्क हैरो, चीजल प्लाउ और रोटावेटर।
ये सब क्या हैं, ये सब प्राइमरी टीलेज में यूज होने वाले इम्प्लीमेंट हैं, ये सब ट्रैक्टर्स चलने वाले हैं और ये सब एनिमल से। सेकेंडरी टीलेज क्या है, सेकेंडरी टीलेज मीन्स प्राइमरी टीलेज करने के बाद जो भी कार्य करते हैं हम उस फील्ड में उसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी टीलेज। ठीक है, सेकेंडरी टीलेज का मतलब ये है कि जो प्राइमरी टीलेज हुआ है उसमें मैक्सिमम इफिशियंसी लाने के लिए हम लोग सेकेंडरी टीलेज करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं, हैरो, लेबलर्स, क्लोड क्रशर्स एंड टीलर्स। ठीक है, ये जो टीलर्स है, पावर टीलर्स है, ये प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट भी है और सेकेंडरी टीलेज इम्प्लीमेंट भी है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। और थर्ड वन है जीरो टीलेज, इट इज आल्सो कॉल्ड नो टीलेज, मीन्स इसमें कोई टीलेज नहीं होता है। इन अ सिंगल ऑपरेशन सोविंग इज डन डायरेक्टली इन टू द सॉइल विदाउट टीलिंग द सॉइल। ठीक है, एक सिंगल ऑपरेशन में क्या होता है, सीड को फील्ड में लगा दिया जाता है, बो दिया जाता है, ठीक है, सो कर दिया जाता है। इसमें करने का मतलब जीरो टीलेज मीन्स नो टीलेज, इसमें कोई भी टीलेज का प्रोसेसिंग नहीं होता है, सीड को डायरेक्ट सॉइल में लगाया जाता है। ठीक है, ये आप डायग्राम, ये इमेज आप देख रहे हैं, जीरो टील सीड ड्रिल। इसमें क्या है, सीड यहाँ से गिरेगा, ठीक है, ये जो शार्प ब्लेड है इससे ये कटिंग करेगा और सीड इसमें गिर जाएगा। ठीक है, मतलब फील्ड की कोई भी प्लाउजिंग नहीं हो रही, कोई भी टीलेज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्लाऊ। अगर टीलेज की बात हो रही है तो प्लाऊ की बात होनी बहुत ज़रूरी है। तो प्लाउजिंग इज द प्राइमरी टीलेज ऑपरेशंस। ठीक है, प्लाउजिंग क्या है, एक प्राइमरी टीलेज ऑपरेशन है विच आर परफॉर्म टू कट ब्रेक एंड इन्वर्ट द सॉइल पार्शियली आर कम्प्लीटली। प्लाउ क्या करता है, विच आर परफॉर्म टू कट, ठीक है, काटता है, ब्रेक करता है और इन्वर्ट करता है सॉइल। उसे सॉइल को पहले तो वो कट करेगा, फिर उसको ब्रेक करेगा, फिर इन्वर्ट करेगा, या तो वो कम्प्लीटली करेगा या तो पार्शियली। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सॉइल को काटना, ठीक है, तोड़ना और पलटना ही क्या कहलाता है, प्लाउजिंग। ठीक है, प्लाउजिंग इसेंशली मीन्स ओपनिंग द अपर क्रस्ट ऑफ द सॉइल। क्या होता है, जो ऊपरी लेयर होता है सॉइल को, उसको ओपन किया जाता है, ब्रेकिंग द क्लाउड्स, जो उसमें ढीले निकलते हैं उसे तोड़ा जाता है, एंड मेकिंग द सॉइल सुटेबल फॉर द सोविंग सीड, और सॉइल को सीड बोने योग्य, मतलब बीज बोने योग्य बनाया जाता है। ठीक है, फरो, एक ये इम्पॉर्टेंट टर्म है फरो, ठीक है, इट इज एन ओपन ट्रेंच, ठीक है, ऑफ इट इज एन ओपन ट्रेंच फॉर्म बाय एन इम्प्लीमेंट इन द सॉइल ड्यूरिंग फील्ड ऑपरेशन। ठीक है, जब हम प्लाउजिंग करते हैं तो एक ओपन ट्रेंच रह जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फरो। जैसे कि ये क्या है, फरो। ठीक है, अब दो चीज़ होती है इसमें, बैक फरो और डेड फरो। ठीक है, ये दोनों टर्म्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता रहा है, ठीक है, कई बार आया है, हमेशा आप ये माइंड में रखने वाली चीज़ है। तो बैक फरो क्या होता है, अ राइज्ड रिज्ड लेफ्ट एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप ऑफ द लैंड व्हेन प्लाउजिंग इज स्टार्ट। प्लाउजिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, व्हेन प्लाउजिंग इज स्टार्ट फ्रॉम सेंटर टू साइड इज कॉल्ड बैक फरो। जब हम बीच में से जुताई कर रहे हैं और साइड को कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये चीज़ एक हमारा ट्रेंच क्रिएट होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बैक फरो। ठीक है, कहाँ जुताई करते हैं, सेंटर से साइड में जब जुताई करते हैं तो ये एक बैक फरो क्रिएट होता है। ठीक है, और सेकेंड वन जो है डेड फरो। ठीक है, एन ओपन ट्रेंच लेफ्ट इन बिटवीन टू एडजेसेंट स्ट्रिप ऑफ लैंड आफ्टर फिनिशिंग प्लाउजिंग व्हेन प्लाउजिंग इज स्टार्ट फ्रॉम साइड टू सेंटर। ठीक है, जब हम साइड से सेंटर में जुताई कर रहे हैं, ठीक है, सपोज डैट हम यहाँ से प्लाउजिंग करना स्टार्ट किए ऐसे ऐसे, तो लास्ट में हमारा क्या रह गया, यहाँ पे एक ओपन ट्रेंच खाली रह गया। ठीक है, तो ये जो ये खाली स्थान है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
डेड फरो है। इम्प्लीमेंट फॉर प्राइमरी टीलेज, प्राइमरी टीलेज के लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट यूज होते हैं? फर्स्ट वन है इंडोजीनियस प्लाउ, एमबी प्लाउ, सेकेंड वन है डिस्क प्लाउ, रोटरी टीलर जिसको हम रोटावेटर भी बोलते हैं, चीजल प्लाउ और सब सॉइल प्लाउ। ठीक है, ये छह इम्प्लीमेंट है जो प्राइमरी टीलेज के लिए यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडोजीनियस प्लाउ की। इट पिनिट्रेट इन टू द सॉइल एंड ब्रेक्स इट ओपन, क्या करता है ये जमीन के अंदर जाता है और सॉइल को खोलता है। ठीक है, द फंक्शनल कंपोनेंट्स इंक्लूड, इसमें फंक्शनल कंपोनेंट कौन से हैं? सेयर, बॉडी, सूज, हैंडल एंड बीम, ये पांच कंपोनेंट हैं जिसकी मदद से ये कार्य करता है। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर ड्राई लैंड, गार्डन लैंड एंड वेट लैंड प्लाउजिंग ऑपरेशन, ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? ड्राई लैंड के लिए भी यूज हो सकता है, गार्डन लैंड के लिए भी यूज हो सकता है, और वेट लैंड जो हमारा जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है उस लैंड में भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसके पहला कंपोनेंट क्या है इसका? शेयर। इट इज द वर्किंग पार्ट ऑफ द प्लाउ अटैच टू द शू विथ विच इज पेनेट्रेट इन टू द सॉइल एंड ब्रेक्स इट ओपन। ठीक है, तो शेयर क्या चीज़ है? जो हिंदी में बोले तो शेयर मीन्स फार। ठीक है, शेयर मीन्स फार, जो ऐसे रहता है ये सॉइल के अंदर जाता है और यही क्या करता है? जुताई का काम करता है। और ये किससे अटैच रहता है? शूज से। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है हमारा ये चीज शेयर है। ठीक है, यहाँ पे, और ये किससे अटैच है? शूज से। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारा? शू। इट इज सपोर्ट एंड स्टेबलाइज द प्लाउ एट द रिक्वायर्ड डेप्थ। ठीक है, ये क्या करता है? हमें कितनी गहराई तक जुताई करना है उस चीज को मेंटेन करता है। ठीक है, अब थर्ड वन है जो बॉडी। ठीक है, इट इज मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ, जो ये बॉडी है हमारा क्या है? ये मेन पार्ट है प्लाउ का। ठीक है, ये इसी में क्या है? सब चीज, हैंडल और ये जो बीम वगैरह सब चीज इसी में अटैच है। ठीक है, टू विच द सूज बीम एंड हैंडल आर जनरली अटैच। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बीम। बीम क्या होता है? जो बुफेलो से अटैच किया जाता है। ठीक है, ये पूरा जो दिख रहा है ये पूरी चीज़ क्या है? बीम है। ठीक है, ये बुफेलो से अटैच करने के लिए यूज होता है। और लास्ट वन जो है हमारा हैंडल। हैंडल क्या होता है? एक लकड़ी का बना रहता है जिसकी मदद से हम प्लाउजिंग करते वक्त क्या करते हैं? डायरेक्शन चेंज करते हैं। ठीक है, और डेप्थ को कम ज़्यादा करते हैं किसकी मदद से? हैंडल की मदद से। ठीक है, ऑपरेशनल एडजस्टमेंट, कैसे हम जो हमारा देसी हल है, इंडिजीनियस प्लाउ मीन्स देसी हल। ठीक है, जो हमारा देसी हल है उसे हम कैसे ऑपरेट करते हैं? लोअरिंग आर राइजिंग द बीम विथ रिस्पेक्ट टू प्लाउ बॉडी रिजल्टिंग इन चेंज इन द एंगल ऑफ द शेयर विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन टू इंक्रीज आर डिक्रीज द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो हैंडल की मदद से हम क्या करते हैं? जो हमारा जुताई की गहराई है, ठीक है, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन मीन्स करने मतलब कि जो हम जुताई कर रहे हैं वो कितनी गहराई तक करना है वो चीज़ हम हैंडल की सहायता से क्या कर सकते हैं? कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ द प्लाउ इज रिप्रेजेंट बाई द विड्थ ऑफ द कट, ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देसी हल का साइज कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? वो उस जो वो कहने मतलब कि साइज ऑफ द प्लाउ, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है कितना विड्थ ये प्लाउ जो है जो कटिंग कर रहा है वो कितनी इसकी विड्थ है, उस वही चीज़ रिप्रेजेंट करती है देसी हल के साइज को। ठीक है, दूसरा है मोल्ड बोर्ड प्लाउ, मैक्सिमम इसे शॉर्ट फॉर्म में एमबी प्लाउ बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी क्या आ सकता है? एमबी प्लाउ। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है? मोल्ड बोर्ड प्लाउ। ठीक है, फंक्शन क्या क्या होता है? सबसे पहले ये क्या करता है? कट करता है। ठीक है, फिर क्या करेगा? कट करने के बाद कटिंग द फरो स्लाइस। ठीक है, फरो स्लाइस कट कर लिया। ठीक है, फिर क्या करेगा? लिफ्ट करेगा। लिफ्ट करने के बाद क्या करेगा? टर्न करेगा, टर्निंग द फरो स्लाइस, जो
फरो स्लाइस कट हुआ है, टर्न लिफ्ट हुआ है, अब उसे क्या करेगा, टर्न करेगा, ठीक है। फिर लास्ट वन क्या है, पल्वेराइज। कहने का मतलब ये है कि जो एमबी प्लाऊ हमारा सबसे पहले सॉइल को कट करता है, फिर लिफ्ट करता है, फिर क्या करता है, टर्न करता है, फिर पल्वेराइज करता है। कहने का मतलब सबसे पहले सॉइल को काटता है, फिर ऊपर की ओर चढ़ाता है, फिर उसको पलटता है, फिर भुरभुरा बनाता है, ठीक है। ये चार फंक्शन है सीधे शब्दों में, यही इसका डिफिनेशन है, ठीक है। कंपोनेंट्स इसके इसमें कौन कौन से हैं, शेयर, ठीक है, मोल्ड बोर्ड, लैंड साइड, फ्रॉग एंड टेल पीस, ठीक है। तो शेयर ये है जिसकी मदद से क्या कर होता है, कटिंग होती है, ठीक है। मोल्ड बोर्ड पे क्या होता है, टर्न होता है, ठीक है। और ये फ्रॉग और लैंड शेप है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा शेयर, इट पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल, क्या होता है, यही चीज जमीन को खोदती है, ठीक है, एंड मेक्स अ हॉरिजॉन्टल कट, और एक हॉरिजॉन्टल कट बनाती है, ठीक है, बिलो द सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस के अंदर। इट इज शार्प, वेल पॉलिश्ड एंड पेंटेड कंपोनेंट, ठीक है। यह कैसा होता है, बहुत ही इसमें तेज धार होती है, ठीक है, और अच्छे से पॉलिश रहता है और पेंटेड रहता है, ठीक है। मोल्ड बोर्ड इज दैट पार्ट ऑफ द प्लाउ विच रिसीव द फरो स्लाइस। मोल्ड बोर्ड क्या करता है, फरो स्लाइस को रिसीव करता है फ्रॉम द शेयर, जो शेयर कटिंग करती है उस वो रिसीव करता है मोल्ड बोर्ड। इट लिफ्ट, टर्न एंड ब्रेक्स द फरो स्लाइस, ठीक है। मोल्ड बोर्ड क्या करता है, लिफ्ट करता है, टर्न करता है और ब्रेक करता है सॉइल स्लाइस को, ठीक है। जो फरो स्लाइस हमारा लिफ्ट होकर टर्न हुआ उसको ब्रेक करता है और लैंड साइड। नेक्स्ट कंपोनेंट है लैंड साइड, इट इज द फ्लैट प्लेट विच वियर्स अगेन एंड ट्रांसमिट लैटरल थ्रो ऑफ द प्लाउ बॉटम टू द फरो वॉल, ठीक है। लैंड साइड मीन्स करने का मतलब ये है जो जमीन के निचला हिस्सा होता है, जो फरो का जो ये एमबी प्लाउ का जो निचला हिस्सा होता है जब कटिंग होता है तो वो नीचे मेंटेन करके चलता है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, फ्रॉग। फ्रॉग इज दैट पार्ट ऑफ द प्लाउ बॉटम टू विच द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाउ बॉटम आर अटैच्ड, ठीक है। फ्रॉग में ही जो प्लाउ बॉटम के अदर जो दूसरे कंपोनेंट है वो इसी में जुड़े रहते हैं, ठीक है। इट मे बी मेड ऑफ कास्ट आयरन, या किसका बना रहता है, कास्ट आयरन का। फॉर कास्ट प्लाउ के लिए, कास्ट आयरन प्लाउ के लिए किसका बना रहता है, कास्ट आयरन का। और इट मे बी वेल्डेड स्टील, ठीक है, जो स्टील प्लाउ होता है उसमें किस चीज़ का बना रहता है, स्टील का, ठीक है। लास्ट वन क्या है, लास्ट कंपोनेंट क्या है, टेल पीस। इट इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ मोल्ड बोर्ड विच हेल्प इन टर्निंग अ फरो स्लाइस, जो हमारा टेल पीस होता है, ठीक है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो मोल्ड बोर्ड है हमारा जो रिसीव करके फरो स्लाइस को रिसीव करके टर्न करता है, उसको हम मोल्ड बोर्ड की साइज को इंक्रीज या तो डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जो तीसरा हमारा इम्प्लीमेंट है प्राइमरी टिलेज का वो क्या है, डिस्क प्लाउ। इट इज अ प्लाउ विच कट्स, टर्न्स एंड इन सम केसेस ब्रेक फरो स्लाइस बाय मीन्स ऑफ सेपरेटली माउंटेड लार्ज स्टील डिस्क, ठीक है। जो हमारा डिस्क प्लाउ है वो क्या करता है, कट करता है, ठीक है, मतलब सॉइल को काटता है, टर्न करता है और कभी कभी क्या करता है, जो हमारे फरो स्लाइस होते हैं उसे ब्रेक भी करता है, ठीक है। अ डिस्क प्लाउ इज डिजाइन विथ अ व्यू ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन बाई मेकिंग अ रोलिंग प्लाउ बॉटम इन स्टेड ऑफ स्लाइडिंग प्लाउ बॉटम, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा डिस्क प्लाउ है ये रोल करके चलता है, ठीक है, तो जो इसमें रेजिस्टेंस जो फ्रिक्शन हमारा है वो कम करने के लिए, मतलब घर्षण जो होता है, सपोज एम बी प्लाउ से हम कर रहे हैं तो हमारा ड्राफ्ट, मतलब जो एम बी प्लाउ का जो ड्राफ्ट है वो ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो हमारा डिस्क प्लाउ है उसमें ड्राफ्ट बहुत कम जरूर ड्राफ्ट बहुत कम रहेगा, क्यों, क्योंकि ये रोल करके चलेगा, ठीक है, स्लाइड करके नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस पर क्या रहेगा, प्रतिरोध, ठीक है, वो बहुत कम लगेगा। अ डिस्क प्लाउ वर्क्स वेल इन द
कंडीशन वेयर मोल्ड बोल्ड प्लाउ डज नॉट वर्क। ठीक है, ये कहाँ पे अच्छा अच्छी तरह से कार्य करता है, जहाँ पे एमबी प्लाउ ना कार्य कर सके। ये डिस्क प्लाउ का डायग्राम है, ठीक है, ये देखिए डिस्क बना हुआ है, ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड है, ठीक है, पावर ऑपरेटेड। अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। एडवांटेज ऑफ डिस्क प्लाउ, ठीक है, डिस्क प्लाउ के क्या क्या एडवांटेज है। डिस्क प्लाउ कैन बी फोर्स टू पेनेट्रेट इनटू द सॉइल विच इज टू हार्ड एंड ड्राई फॉर वर्किंग विथ अ मोल्ड बोर्ड प्लाउ। ठीक है, अगर करने मतलब ये है कि हमारा जो डिस्क प्लाउ है वो बहुत ही हार्ड अगर सॉइल है उसमें भी प्लाउजिंग कर सकता है। ठीक है, इट वर्क वेल इन स्टिकी सॉइल। ठीक है, ये अच्छी तरह से जो हमारी चिपचिपी ज़मीन रहती है जिसमें मॉइस्चर कंडीशन या ज़्यादा रहता है उसमें भी यह क्या कर सकता है, अच्छी तरह से काम कर सकता है, जहाँ पे मोल्ड बोल्ड प्लाउ नहीं कर सकता है। ठीक है, इट इज़ मोर यूजफुल फॉर डीप प्लाउजिंग, गहरी जुताई के लिए भी ये बहुत सही है। ठीक है, इट कैन बी यूज सेफली इन स्टोनी सॉइल, जो कंकड़ीली ज़मीन होती है उसमें भी हम आसानी से इसमें जुताई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कि बहुत कम रिक्स होता है कि हमारा जो प्लाउ है वो ब्रेक डाउन हो। ठीक है, इट वर्क्स इन लूज सॉइल आल्सो सच एज पीट विदाउट मच क्लॉगिंग। ठीक है, अगर सपोज डैट हम दूसरे डिस्क प्लाउ से जुताई नहीं कर रहे, दूसरा प्लाउ है, तो क्या होता है, क्लॉगिंग की समस्या बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कल्टीवेटर हो गया, अगर बहुत चिपचिपी ज़मीन है तो क्या होगा, वो जो फरो रहते हैं उसमें जाके क्या होता है, चपक जाते हैं। ठीक है, वो तो इसलिए क्या है, ये जो हमारा डिस्क प्लाउ है ये आसानी से उसमें प्लाउजिंग कर देता है। डिसएडवांटेज क्या है डिस्क प्लाउ के, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कवरिंग सरफेस ट्रेस एंड वीड्स एज इफेक्टिव एज मोल्ड बोर्ड प्लाउ। ठीक है, जैसा कि मोल्ड बोर्ड प्लाउ क्या करता है, खरपतवार को क्या करता है, ख़त्म करता है। ठीक है, पलट देता है या कुछ भी करता है, कम करता है, वो जो ये हमारा डिस्क प्लाउ है उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। ठीक है, कंप्लीटली द डिस्क प्लाउ लीव द सॉइल इन रफ एंड मोर क्लॉडी कंडीशन देन द मोल्ड बोल्ड प्लाउ। जब हम डिस्क प्लाउ से जुताई करते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, क्लॉडी होते हैं, मीन्स क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल छूट जाते हैं, वैसे मतलब बड़े बड़े ढेले टाइप के। ठीक है, डिस्क प्लाउ इज मच हैवियर देन मोल्ड बोर्ड प्लाउ फॉर इक्वल कैपेसिटी। जो हमारा डिस्क प्लाउ है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हैवी है कंपेयर टू एमबी प्लाउ। ठीक है, अब डिस्क प्लाउ में दो चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, डिस्क एंगल, और सेकेंड वन टिल्थ एंगल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमेशा से एग्जाम में आती रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क एंगल की। इट इज़ द एंगल एट विच द प्लेन ऑफ द कटिंग ईस्ट ऑफ द डिस्क इज इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ठीक है, किस चीज़ की बात कर रही है, कर किया जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, सपोज दैट इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, प्लाउजिंग हो रहा है, तो हमारा डिस्क एंगल कहाँ से लिया जाया है, यहाँ से। ठीक है, ये जो शाफ्ट होता है जिसमें सारे डिस्क जो फिक्स होते हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक की जो एंगल बनेगी उसे क्या बोलते हैं, डिस्क एंगल। ठीक है, यूजली द डिस्क एंगल ऑफ गुड प्लाउ, एक अच्छे डिस्क प्लाउ की जो डिस्क एंगल होता है वो कितना वैरी करता है, 42 से 45 डिग्री। ठीक है, 42 से 45 डिग्री वैरी होता है। ठीक है, मतलब या तो 42 रहेगा या तो मैक्सिमम 45। ठीक है, इससे ज़्यादा या तो अधिक होगा तो क्या होगा, प्लाउजिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, क्वालिटी जो प्लाउजिंग की है वो घट जाएगी। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन दिया गया है, मैक्सिमम कंपटीशन एग्जाम में आया है, तो इसको अच्छे से माइंड में रखेंगे। ठीक है, जो सेकेंड वन है वो है टिल्थ एंगल। ठीक है,
उसमें बात हुई थी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल की, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे क्या है, इट इज द एंगल एट विच द प्लेन ऑफ द कटिंग इज ऑफ द डिस्क इज इंक्लाइन टू वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसमें किस चीज की बात हो रही है, वर्टिकल लाइन, किसमें, टिल्ट एंगल में वर्टिकल लाइन की बात हो रही है और डिस्क एंगल में डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल की बात हुई थी। तो वर्टिकल लाइन मीन्स ये, ठीक है। सपोज डैट यहाँ पे हमारा शाफ्ट लगा हुआ है, ठीक है, इसमें सारे डिस्क जो है फिक्स है, ठीक है, तो वर्टिकली ये कितना इंक्लाइंड है, एकदम सीधा सीधा तो ऐसे डिस्क लगा नहीं रहता है डिस्क प्लाव में, हल्का सा ऐसे बेंड रहेगा, ठीक है, एक डायरेक्शन में हल्का सा ऐसे बेंड होके लगता है, ठीक है। तो वही चीज़ क्या है, टिल्ट एंगल, ठीक है। तो हम टिल्ट एंगल को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। द टिल्ट एंगल वेरीज फ्रॉम 15 से 25 डिग्री, ठीक है ना, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि टिल्ट एंगल कितने से कितने बीच में वेरी करता है, 15 से 25 डिग्री, ठीक है, और डिस्क एंगल 42 से 45 डिग्री, ठीक है। ये दोनों में से एक चीज़ हमेशा कंपटीशन एग्जाम में आती रही है और आपके भी एग्जाम में आती रही हैं, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। रोटरी टिलर, रोटरी टिलर मींस रोटावेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। द रोटरी कल्टीवेटर इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल एज इट प्रोवाइड द फाइन डिग्री ऑफ पल्वराइज, ठीक है। रोटरी टिलर से क्या होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्या होता है, मतलब बहुत ही अच्छे से मिट्टी जो है भुरभुरी बन जाती है, ठीक है। इनेबलिंग द नेसेसरी रैपिड एंड मिक्सिंग ऑफ द सॉइल बिसाइड रिडक्शन इन ट्रैक्शन डिमांड बाय द ट्रैक्टर ड्राइविंग व्हील ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ सॉइल वर्किंग ब्लेड्स टू प्रोवाइड सम फॉरवर्ड स्पीड टू द कटिंग आउट फिट। जो हमारा रोटरी टिलर है, सीधे शब्दों में ये हमें जानना है कि रोटरी टिलर या रोटावेटर से क्या होता है, मिट्टी बहुत ही अच्छी भुरभुरी होती है, ठीक है, और इसमें जो मिक्सिंग होता है, जो हमारे जैसे ग्रीन मैन्यूर हो गया, जैसे कि कोई भी चीज़ है, तो अगर हम रोटावेटर से जुताई करें रोटरी टिलर से, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है सॉइल में। और दूसरी चीज़ ये हमें निगेटिव ड्राफ्ट देता है, ठीक है, कहने का मतलब कि निगेटिव ड्राफ्ट का मतलब कि इसका ड्राफ्ट जीरो रहता है, ठीक है। जो हमारा ये रोटरी टिलर है, इसका ड्राफ्ट जीरो रहता है, उल्टा ये क्या करता है, ट्रैक्टर को अपवर्ड मोशन देता है, ठीक है। क्यों, अभी बात करेंगे क्यों देता है, पहले तो ये तीन चीज़ें याद रखना, इससे बहुत ही अच्छी तरह से सॉइल भुरभुरी हो जाती है और ये जो भी ग्रीन मैन्यूर रहता है उसको सॉइल में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करता है। और तीसरी ये निगेटिव ड्राफ्ट देता है, किसको, ट्रैक्टर को, ठीक है। रोटरी टिलर इज डायरेक्टली माउंटेड टू द ट्रैक्टर, ठीक है। रोटरी टिलर क्या होता है, डायरेक्ट ट्रैक्टर में लगा रहता है विद द हेल्प ऑफ थ्री पॉइंट लिंकेज, जो ट्रैक्टर में पीछे थ्री पॉइंट लिंकेज रहता है सिस्टम, उसमें ये डायरेक्ट जुड़ा रहता है, ठीक है। अ लेवलिंग बोर्ड इज अटैच टू द रियर साइड ऑफ द यूनिट फॉर द लेवलिंग द टिल सॉइल, ठीक है। एक लेवलर लगा रहता है, ठीक है, रोटावेटर आप लोगों ने देखा होगा, पीछे एक ऐसा लेवलर लगा रहता है जो कि क्या करता है, टीलेज जो हो जाता है, जो रोटावेटर टीलेज करता है, उसके बाद वो क्या करता है, लेवल करता है ज़मीन को, ठीक है। अ डेप्थ कंट्रोल लीवर विथ डेप्थ व्हील प्रोवाइड ऑन आइदर साइड ऑफ द यूनिट इंश्योर प्रॉपर डेप्थ कंट्रोल, ठीक है। एक क्या लगा रहता है, एक व्हील लगा रहता है जो कि एक साइड ना व्हील लगा रहता है जो कि डेप्थ को मेंटेन करता है, ठीक है। कौन से डेप्थ को, जो रोटावेटर से हम जुताई करते हैं, ठीक है, प्लाउजिंग करते हैं, तो क्या होता है, डेप्थ को मेंटेन करने के लिए एक व्हील लगा रहता है। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्लेड आर यूज्ड विद द रोटावेटर, ठीक है। रोटावेटर में कई प्रकार के क्या होते हैं, ब्लेड्स यूज होते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से अभी बात करेंगे, इससे पहले हम बात करते हैं वो निगेटिव ड्राफ्ट कैसे देता है, ठीक है। सपोज डैट ट्रैक्टर इस डायरेक्शन में जुताई कर रही है, ठीक है, तो रोटावेटर हमारा क्या होता है, इसी डायरेक्शन में रोटेट होता है ना, रोटरी टिलर इसी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो क्या होगा, जब ये नीचे यहाँ पे जुताई करती है, तो इसमें जो ब्लेड लगा रहता है,
ये क्या करता है, फॉरवर्ड मोशन प्रोवाइड करता है, जिससे ट्रैक्टर हमारा आगे की तरफ आसानी से बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये निगेटिव ड्राफ्ट देता है, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप के ब्लेड्स लगे रहते हैं, पहला है एल टाइप ब्लेड, ठीक है, रोटावेटर में एक इस शेप का ब्लेड लगा रहता है। ये देखिए रोटावेटर का एक इमेज है, ये देखो इसमें एल टाइप का ब्लेड लगा हुआ है ना, अभी हम एल टाइप ब्लेड की बात कर रहे थे। ट्विस्टेड ब्लेड सुटेबल फॉर, दूसरा क्या है, ट्विस्टेड ब्लेड सुटेबल फॉर डीप टिलेज इन रिलेटिवली क्लीन ग्राउंड, ठीक है, ये गहरी जुताई के लिए साफ सुथरे ज़मीन में यूज किया जाता है। बट क्लॉगिंग एंड ब्रैपिंग ऑफ ट्रेसेस ऑन द टीन्स एंड शाफ्ट, लेकिन इसमें क्या होता है कि क्लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है। तीसरा क्या है, स्ट्रेट ब्लेड, एक सीधा बिल्कुल ही सीधा ब्लेड लगा रहता है। इम्प्लॉयड ऑन द मल्चर्स डिजाइन मेनली फॉर द सेकेंडरी टिलेज, जो स्ट्रेट ब्लेड वाला पावर टिलर्स होता है वो सेकेंडरी टिलेज के लिए मुख्यतः प्रयोग होता है, ठीक है। पांचवा जो है हमारा चीजल प्लाउ, चीजल प्लाउ आर यूज टू ब्रेक थ्रो एंड सैटर कंपैक्टेड और अदरवाइज इम्परमीबियल सॉइल, ठीक है, इम्परमीबियल सॉइल लेयर। डीप टिलेज सैटर्स कंपैक्टेड सब सॉइल लेयर्स एंड एड्स इन बेटर इनफिल्ट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर इन द क्रॉप रूट जोन, करने का मतलब ये है कि जो हमारा चीजल प्लाउ है वो गहरी जुताई के लिए प्रयोग होता है, जहाँ पे जमीन बहुत ही कड़ी हो, ठीक है, और ये गहरी जुताई करता है तो क्या क्या फायदे होते हैं, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा, इनफिल्ट्रेशन जो मिट्टी में से पानी छन के नीचे जाती है वो भी बढ़ जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हुई अगर हम चीजल प्लाउस किए हैं तो क्या होगा, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिट इंक्लूड्स रिवर्सिबल शेयर, ठीक है, टीन्स जिसको चीजल भी बोलते हैं, बीम क्रॉस शाफ्ट टॉप लिंक्स कनेक्शन, ठीक है, टॉप लिंक कनेक्शन से हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा चीजल प्लाउ, ठीक है, ये क्या आता है, बहुत गहरी जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे जमीन बहुत ही हार्ड हो, ठीक है। छठवां क्या है हमारा इम्प्लीमेंट, सब सॉइल प्लाउ, द फंक्शन ऑफ द सब सॉइलर इज टू पेनेट्रेट डीपर देन द कन्वेंशनल कल्टीवेशनल मशीनरी, ठीक है। ये क्या होता है, सब सॉइल प्लाउ सबसे ज़्यादा गहरी जुताई करता है, जितने भी इम्प्लीमेंट जुताई के लिए यूज होते हैं, एंड ब्रेक अप द लेयर ऑफ द सॉइल विच हैव बिकम कंपैक्टेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ हैवी मशीनरी और एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस प्लाउजिंग एट अ कांस्टेंट डेप्थ, ठीक है। अगर किसी एक डेप्थ पे लगातार जुताई हो रही है तो क्या होता है कि उसके नीचे वाला डेप्थ क्या होता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है, ठीक है, या तो बहुत हैवी मशीनरी उस फील्ड में से अप डाउन हो रहा है, मतलब आ जा रहे हैं, तो क्या होगा कि वो वाला लेयर जो है वो बहुत हार्ड हो जाएगा, तो हम लोग कौन सा सॉइल वो प्लाउ यूज करेंगे, सब सॉइल प्लाउ, ठीक है। द सब सॉइलर कंसिस्ट ऑफ हैवियर टीन, ठीक है, इसमें जो टीन लगे रहते हैं वो बहुत ही भारी होते हैं, ठीक है, देन द चीजल प्लाउ, चीजल प्लाउ से भी। टू ब्रेक थ्रू द इम्परवियस लेयर सेटिंग द सब सॉइल टू अ डेप्थ ऑफ 75 सेंटीमीटर गहराई तक क्या करता है, जुताई करता है। अब क्या है, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट कौन कौन से है, हैरो, रोटरी टिलर, लैंड रोलर्स और पल्वराइजर्स और लेबरर्स, ठीक है, ये चार इम्प्लीमेंट्स हैं जो सेकेंडरी टिलेज में यूज होते हैं। पहला क्या है, हैरो, इट इज़ अ सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट यूज फॉर द वराइटी ऑफ जॉब्स इन अ क्रॉप कल्टिवेशन, दे आर लिस्टेड एज फॉलो, ये किस फरो जो है, हरो जो है हमारा वो किस चीज़ किस के लिए यूज होता है, कौन कौन से कार्य के लिए, यूज बिफोर प्लाउजिंग टू कट द वेजिटेबल मैटर्स सच एज कॉर्न स्टॉक, ठीक है, कॉटन साल स्टॉक, वीट्स एंड मिक्स विद द सॉइल फॉर सॉइल कंजर्वेशन, क्या होता है, इन सब चीज़ों को काट करके सॉइल में मिक्स करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हरो को, ठीक है। यूज आफ्टर प्लाउजिंग टू पल्वराइज द सॉइल एंड पुट इट इन बेटर टिल्थ, सॉइल मतलब प्लाउजिंग करने के बाद क्या करते हैं कि
हैरो का यूज करके हम मिट्टी को भुरभुरा बनाने बनाते हैं, ठीक है। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए हैरो का यूज करते हैं प्राइमरी टीलेज के बाद, ठीक है। यूज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ये है हमारा हैरो का इमेज, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये किस चीज़ कार्य के लिए यूज होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो हैरो कई प्रकार के होते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ हैरो, नेमली द डिस्क हैरो, ठीक है, स्पाइक टूथ हैरो, स्प्रिंग टूथ हैरो एंड एक्सेट्रा, और भी होते हैं। तो जो मेन है वो क्या है, ये तीन चीज तीन है हमारे। सबसे पहला क्या है, डिस्क हैरो। इट इज अ हैरो विच परफॉर्म द हैरोइंग ऑपरेशन बाय मीन्स ऑफ अ सेट ऑफ रोटेटिंग डिस्क। रोटेटिंग डिस्क के माध्यम से ये हैरोइंग का काम करता है। ईच सेट बीइंग माउंटेड ऑन अ कॉमन शाफ्ट, सारे जो डिस्क रहते हैं वो एक कॉमन शाफ्ट में लगे होते हैं। डिस्क हैरो इज फाउंड वेरी सुटेबल फॉर हार्ड ग्राउंड विथ फुल ऑफ ग्रासेस, अगर जमीन पे बहुत सारी घास है और जमीन भी बहुत ज़्यादा हार्ड है तो ये क्या है, डिस्क हैरो बहुत ही सुटेबल रहेगा। ये डिस्क हैरो का डायग्राम है, ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा तो ये डिस्क हैरो का डायग्राम बनाना है आप लोगों को। जो हमारा अगला है वो स्पाइक टूथ हैरो है। स्पाइक टूथ हैरो हैज टीथ रिसेम्बलिंग लॉन्ग स्पाइक डेट स्टीर द सॉइल, इसमें लंबे लंबे क्या लगे रहते हैं, टाइंस लगे रहते हैं जो सॉइल को, सॉइल के अंदर जाके उसकी जुताई करता है, ठीक है। दीज हैरो आर आल्सो नोन एज पेग टूथ हैरो, इसे और क्या बोला जाता है, पेग टूथ हैरो, ड्रैग हैरो, सेक्शन हैरो, ठीक है, आर स्मूथिंग हैरो, इन सारे नाम से क्या होता है, इसको जाना जाता है। इट्स प्रिंसिपल यूज इज टू स्मूथ एंड लेवल द सॉइल डायरेक्टली आफ्टर प्लाउजिंग, प्राइमरी टीलेज करने के बाद क्या होता है, इसके माध्यम से हम सॉइल को या फील्ड को लेवल कर सकते हैं और सॉइल को स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वन है हमारा स्प्रिंग टूथ हैरो, हैरो का ये तीसरा टाइप है। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग टूथ हैरो आर मेड इन अ सेक्शन सम वॉट लाइक स्पाइक टूथ हैरो, इसमें क्या स्पाइक टूथ की तरह हैरो लगे रहते हैं, ठीक है। द सेक्शंस वेरी इन विड्थ फ्रॉम, जो वो हैरो लगे रहते हैं वो कितने दूरी पर लगे रहते हैं, 0.9 to 1.7 मीटर तक। दिस सेक्शन में हैव फ्रॉम 7 to 12 टीथ, 7 से 12 लगे होते हैं, ठीक है। ये है हमारा क्या है, स्प्रिंग टूथ हैरो, ये डायग्राम है, ठीक है, ये इमेज है, इसको देखने से अच्छे समझ में आ जाएगा। दूसरा कंपोनेंट हमारा एलिमेंट जो है इम्प्लीमेंट सेकेंडरी टीलेज का, वो क्या है, लैंड रोलर्स आर पल्वराइजर्स, ठीक है। लैंड रोलर्स आर पल्वराइजर आर टूल्स यूज फॉर फर्दर प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड। लैंड रोलर या तो पल्वराइजर से हम क्या करते हैं, जो मतलब प्लाउजिंग के बाद क्या होता है कि बहुत सारे मिट्टी के ढेले रहते हैं तो उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है, तोड़ने के बाद पुनः से जुताई करते हैं, तो ये सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए काम में आता है। तीसरा है लेवलर्स, मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे उठा के ले जाके रखने का काम करता है, जिससे मतलब कि मिट्टी का जो हमारा फील्ड है, जो हमारा खेत है, वो एक अच्छी लेवल पे रहे, ठीक है। तो ये लेवलर का काम है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।